हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की लगभग 8:30 बज चुकी है और मैं बस जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आज है अभिरूप का जन्मदिन, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ रही थी और क्योंकि मुझे पकौड़ी वगैरह भी बनानी थी और घर के सारे काम भी करने थे। तो अभिरूप अभी सो रहा है, अभी उसको भी उठाती हूँ क्योंकि उनकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि शहर में पानी भरा हुआ है और इसलिए स्कूल बंद है। तो अभी फ़िलहाल उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो चलिए पहले उसको उठाते हैं। अभी उठ जा बाबा, उठ। हैप्पी बर्थडे टू यू। उठना, ऑनलाइन क्लास है अभी, अब बर्थडे भी है। चलो थोड़ी देर फोन भाई। ना ना, थोड़ी देर नहीं सियाणा, अब टाइम हो गया है ना ट्यूशन का। चलो उठो 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 उठो, हाँ चलो उठ। वो अभी उठ नहीं रहा है, उसको उठाती हूँ अब। और यहाँ पर मैंने दाल वगैरह भी भिगा रखी है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो उड़द दाल की पकौड़ी बनती है, जो मैं आज बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये मैंने कल भिगा दी थी, कल रात को भिगा दी थी और अभी इसको पीसना है मुझे। और फिलहाल तो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ और फिर मुझे पकौड़ी भी चढ़ानी होती है सुबह सुबह, तो इसलिए पहले मैं इसको पीस देती हूँ और अभी देखो उठा देती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप ब्लॉग में। दे भी उठ गया है, ये देखो ये सोया सोया लग रहा है। अभी इसको पानी पिला देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। चलिए, तो आज मैं दाल की पकौड़ी शेयर करने वाली हूँ रेसिपी आपके साथ, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। तो पहले ही पीस लेते हैं। अभी जल्दी आ भाई, आ यार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिरूप भी उठ चुका है और अब उसका मैं टीका वगैरह कर लूँगी और अभी उसके बाद मैं पकौड़ी बनाने की स्टार्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टीका वगैरह कर लिया है उसका और अभिरूप का भी। इसके बाद मैं जाऊँगी तो उसके बाद मैं पकौड़ी वगैरह का प्रोसेस शुरू करूँगी। आज तो पूरा दिन काम ही काम रहेगा क्योंकि मुझे दिन की तैयारी खाने की भी करनी है और ये पकौड़ी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा पकौड़ी बनाने में लेट भी हो जाता है। तो आज इसका जन्मदिन है तो ये बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, बच्चों और बड़ों में यही फ़र्क होता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोगों का बर्थडे आता था, हम लोग बहुत खुश होते थे। और देखो अभी इसकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने दाल भी पीस ली थी और दाल के साथ साथ मैंने यहाँ पर रख दिया है तिल और एक कटोरी में पानी। और यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा, ये मैंने रोलिंग बोर्ड बिछा दिया है और ऊपर से मैंने एक पॉली बैग भी ले लिया है। पॉली बैग को मैंने उसमें रख दिया है और इधर मैंने दाल में नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डाल दिया है। ये बेसिक मसाला है जो हमारे घरों में यूज़ होता है अक्सर, वही हम इस दाल में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक बात का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी हम ये मिक्स करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, काफ़ी देर तक मिक्स करना है। अगर ये मिक्स अच्छे से नहीं होगा तो जो इसकी जो पकौड़ी बनती है ना, वो सॉफ्ट नहीं होती, एकदम करारी और कड़क टाइप की हो जाती है, जो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, खाने में असुविधा होती है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है और बहुत अच्छे से मैंने फेंट भी लिया है। नमक, मिर्च, मसाला वगैरह सब अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉली बैग में आपको हल्का हल्का पानी लगाना है, इस तरीके से आपको तिल लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, तिल लगाने के बाद आपको बहुत ही सहूलियत से इस पकौड़ी को पॉली बैग से निकाल कर ऑयल में डालना है।
तो फ्रेंड्स, हमारी ये गढ़वाली उड़द दाल की पकौड़ी है। हमारे यहाँ उड़द दाल की पकौड़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है या किसी का जन्मदिन या कुछ भी ऐसा इवेंट होता है तो हमारे यहाँ ये पकौड़ी ज़रूर बनती है और ये शुभ भी मानी जाती है, तो इसलिए इसको हम हमेशा बनाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दाल में जो सर्वश्रेष्ठ दाल मानी जाती है, श्रेष्ठ दाल जो मानी जाती है वो उड़द की होती है। ये उड़द, धुली हुई उड़द को मैंने अच्छे से फेंट के फिर इसकी पकौड़ी बनाई है। फ्रेंड्स, अब देखिए पकौड़ी यहाँ पर अच्छे से बन चुकी है। इसके बाद मैं कुछ पकौड़ी बना के दो पकौड़ी मैं भगवान जी को भोग लगा लूँगी, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स, हर राज्य में ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हमारे पहाड़ में ये ऐसे ही गोल बनाई जाती है और ऊपर से तिल लगाया जाता है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ ये उड़द दाल की पकौड़ी बनती है, जो खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। आप अपने घर में, ज़रूरी नहीं है कोई शुभ अवसर आए तभी आप बनाएं, आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, घर पर ट्राई कर सकते हैं और देखिएगा बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। मुझे स्पेशली ये बहुत पसंद है, घर में सभी लोगों को ये पसंद आती है। तो अक्सर तो मैं नहीं बना पाती हूँ, मैं तो कोई इवेंट होता है तभी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये सारी पकौड़ी हम बना लेंगे और आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। आप चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे पकौड़ी तल दी थी और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। आज जन्मदिन है अभिरूप का, तो हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे और पकौड़ी को इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने लिए थे रेडीमेड समोसे, तो वो भी मैंने तल लिए थे, क्योंकि ये समोसे रेडीमेड कोई बनाता है तो मैं लेके आ जाती हूँ और घर पर तल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये समोसे मैंने बना लिए हैं, यहाँ पर तल दिए हैं, पकौड़ी भी बन चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों, कपड़े भी धुल दिए हैं और अब बाहर डालती हूँ, थोड़ा बारिश का मौसम भी हो रहा है बाहर, तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो कपड़े बहुत सारे धुले हुए हैं, तो चलिए चलते हैं और सारे कपड़े फैला रही हूँ। तुलसी का पौधा भी हो गया है हरा भरा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद उसको मैं ले गई थी अपने साथ मंदिर शाम को। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।